Good morning. Welcome to JKSSB online tutorial. This is Satish and we are doing a current affair lecture series, right? So, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपके 6 जनवरी का करंट अफेयर क्लास. और बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो, कैसे लग रहे हैं आप लोगों को फ्री क्लासेस जो हमने स्टार्ट करे हैं आप सबके लिए MCQs रिवीजन फॉर्म में? प्लीज़ अपना सपोर्ट जो है वो बना के रखना वीडियोज़ के साथ, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट्स. वी ऑल आर वर्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू, वी जस्ट वॉन्ट योर सपोर्ट इन रिटर्न, दैट्स ऑल. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट, जो बच्चे नए वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ मेक श्योर ज्वाइन करें हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप. ज्वाइन करने के लिए आप मैसेज करें 7006332724 के ऊपर. मैं ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप को क्यों ज़्यादा प्रमोट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ पर्सनल तौर पे आने वाले दिन पे हम जितनी भी चीज़ें जो भी चीज़ें हम लॉन्च करें या PDF फॉर्म या कुछ भी बनाएं वो डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप के थ्रू मैं प्रोवाइड कर सकूं. हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाखों में फॉलोअर्स हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली व्हाट्सएप एक ऐसा सोर्स है जो इंसान दिन में कम से कम 4-5 बार खोलता है. तो मैं चाहता हूँ कि हम जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें अपडेट करें वो डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करें. दैट्स वाई आई एम प्रमोटिंग और ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर. हमारा पहला जो क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर लेक्चर का, दैट इज कि एज पर द CMIE, मतलब सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इनकी रिपोर्ट के लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली कौन सी स्टेट जो है रिकॉर्ड द हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट रेट इन दिसंबर 2022. मतलब CMIE लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो देखा गया, रिकॉर्ड देखा गया दिसंबर 2022 में. सो इसका जो आंसर है दैट इज हरियाणा. क्या आंसर है इसका? आंसर है इसका हरियाणा. क्लियर है? ओके, सो आंसर है इसका हरियाणा. और वहीं पे अगर हम बात करें तो मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया CMIE का मतलब सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी, इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो अनएम्प्लॉयमेंट रीच हुआ है लास्ट 6 मंथ्स में सबसे ज़्यादा, मतलब आप समझ सकते हो 8.3% का गेनिंग हुआ है दिसंबर 2022 में, जिसमें जिसका हाइएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड जो है स्टेट का दैट इज हरियाणा. हरियाणा के बाद जो आती है वो आती है राजस्थान, एंड राजस्थान के बाद जो आती है दैट इज दिल्ली. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री ने इनॉग्रेट किया है क्या पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म की बात करें दैट इज PRIA, ठीक है, विद द सपोर्ट ऑफ चाइना. चलिए फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने इनॉग्रेट किया है पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट विद द सपोर्ट ऑफ चाइना. तो कौन सी कंट्री है भाई? इसका आंसर है नेपाल. क्या आंसर है? नेपाल. ओके, तो नेपाल ने बेसिकली चाइना की सपोर्ट के साथ, एक सेकेंड, चाइना की सपोर्ट के साथ पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो इनॉग्रेट किया है. अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट जानने वाली चीज ये है कि नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है पुष्पा कमल दहल प्रचंड, ठीक है, और जो इनकी कंट्री का थर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो चाइना की सपोर्ट के साथ बना है. क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोहम्मद इरफान अली जिनको अभी प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड जो है वो दिया गया है प्रेसिडेंट द्वारा, ठीक है, आपको बताना है कि ये जो हैं मतलब मोहम्मद इरफान अली ये कौन सी कंट्री से हैं, ठीक है. आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इंडिया में प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो प्रवासी का मैंने मतलब सुनाया था आपको, मतलब माइग्रेंट बताया था अगर आप लोगों को पता होगा, तो ये वही अवार्ड है बेसिकली. तो अब आपको बता दूं मोहम्मद अली इरफान अली जो हैं ये कौन सी कंट्री से हैं, इज फ्रॉम गायना, ठीक है, ये कहाँ से? गायना से है. ओके, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक्चुअली मैंने एनिमेशन लगाया तो कभी कभी ना, ओके, गायना से हैं, एंड आप सभी को बता दूं मोहम्मद इरफान अली बेसिकली गायना के 9th प्रेसिडेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट 9th प्रेसिडेंट है. और उसी के साथ अगर हम बात करें तो इनको प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड जो है वो दिया गया है. क्लियर है? और इनके साथ साथ और कौन है उनके बारे में बताते हैं. पहली चीज़ आपको जो जानने वाली है कि ये जो कन्वेंट मतलब ये जो प्रोग्राम जो हो रहा था ये कहाँ पे हो रहा था, ये इंदौर में हो रहा था, और
कायना के मोहम्मद इरफान अली के अलावा दर्शन सिंह दलेवाल जो कि यूएस बिजनेसमैन है और इनके साथ साथ डीएसबी ग्रुप के सीईओ पीयूष गुप्ता को भी ये अवार्ड जो है मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि विच मिशन डिड ओडिशा विन द यूएन हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023। ठीक है, इन शॉर्ट में कहूँ तो उड़ीसा ने एक अवार्ड जीता है। ठीक है, कौन सा अवार्ड? वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड। अब किस मिशन के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया वो यहाँ पे बताया है, वो आपको पूछा है। तो अब वो मिशन है जागा मिशन। ठीक है, जागा मतलब वेकअप। ठीक है, वेकअप। ओके, अब क्या है इसमें अभी बताते हैं। उड़ीसा ने बेसिकली, ये पहली चीज़ तो ये यूएन द्वारा इनको वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जो है वो उड़ीसा को दिया गया है। किस मिशन के लिए? जागा मिशन के लिए। अब ये जागा मिशन क्या है? बेसिकली ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें इन्होंने इस मिशन के द्वारा, उड़ीसा ने इस मिशन के द्वारा अटेम्प्ट किया है क्या करने के लिए, जो स्लम में जो लोग रहते हैं उनकी ज़िंदगी को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, उनकी लाइफ्स को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए, और इसी इनिशिएटिव के लिए इनको यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन स्पोर्ट्स के रिलेटेड है। क्वेश्चन ने पूछा है कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने हाईएस्ट टेस्ट सेंचुरी का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ा है। ठीक है, अब किस जो सर डोनाल्ड ब्रैडमैन ने बनाया हुआ था। ठीक है, तो अब किस प्लेयर ने ये रिकॉर्ड तोड़ा है वो आपको बताना। अगर तो आप क्रिकेट देखते हैं तो आप इसी मैच को देख के समझ गए होंगे, अगर नहीं देखते तो मैं आपको बताता हूँ इसका जो आंसर है, दैट इज व्हाट, इसका आंसर है स्टीव स्मिथ। ठीक है, आंसर है स्टीव स्मिथ। अब स्टीव स्मिथ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के मतलब फोर्थ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर बन गया जिन्होंने ये मतलब अचीवमेंट जो है वो हासिल किया है। बात करें तो इनकी इस लेटेस्ट सेंचुरी के साथ इनकी टोटल 30 सेंचुरियां हो गई हैं भाई टेस्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो रिकी पोंटिंग की 41 है, स्टीव वॉक की 32 है, उसके बाद मैथ्यू हेडन की भी 30 ही है और स्टीव स्मिथ की अब 30 हो गए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा है कि हु हैज बीन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश असेंबली। हिमाचल प्रदेश असेंबली के जो स्पीकर हैं वो किनको इलेक्ट किया गया है? इसका आंसर है कुलदीप सिंह पठानिया को। किनको? कुलदीप सिंह पठानिया को। अब कुलदीप सिंह पठानिया जो है वो एक सीनियर कांग्रेस लॉ मेकर और 5 बार MLA रह चुके हैं, और इसके ज्यादा आपको बीच में घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी स्टेट में, ठीक है, कौन सी स्टेट में यूनियन मिनिस्टर अश्विनी विश्वनॉय ने लॉन्च किया है हाई स्पीड 5G टेलीकॉम सर्विस। बताइए कौन सी स्टेट में यूनियन मिनिस्टर ने हाई स्पीड 5G टेलीकॉम सर्विसेज जो है वो स्टार्ट की हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज ओडिशा। क्या आंसर है? ओडिशा। क्लियर है? और वहीं पे अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अश्विनी वैष्णव बेसिकली किस मिनिस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर हैं? ही इज अ यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड रेलवे। इन्होंने 5G जो स्पीड मतलब 5th generation का जो कम्युनिकेशन सर्विस है वो ओडिशा में स्टार्ट किया, बस इतना जानना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि हु इज सेट टू बिकम द फर्स्ट फीमेल रेफरी एट मैंस वर्ल्ड कप गेम। मैंस वर्ल्ड कप गेम में कौन सी पहली फीमेल रेफरी बनी है? इसका जो आंसर है दैट इज स्टेफिन फ्रेपार्ट। ठीक है, स्टेफिन फ्रेपार्ट। आपको बस इतना ही जानना है, इसके बाद आपको जानने की जरूरत नहीं है, मतलब ये डिस्क्रिप्शन आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना समझ लेना कि इनका नाम है स्टेफाई फ्रेपार्ट। और फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ है रिसेंटली, ठीक है, उसमें ये बकायदा पहली फीमेल रेफरी तौर पे इन्होंने काम किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज नेम्ड द ब्रांड द एम्बेसडर ऑफ द निश्चय मित्रा। अब ये क्या है? एक इनिशिएटिव है अंडर प्रधानमंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान। ठीक है, देखो निश्चय क्या होता है? निश्चय होता है ठान लेना। ये बेसिकली हिंदी का निश्चय कुछ ऐसे लिखते हैं, हाँ कुछ ऐसे लिखता है। ठीक है, निश्चय होता है ठान लेना, ये हिंदी का वर्ड है। अब निश्चय मित्रा ये एक इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री अंडर, अब ये क्या है? अंडर टीवी मुक्त भारत अभियान, एक इनिशिएटिव है जो
इसके जो एम्बेसडर है वो किनको बनाया गया है, तो अगर आप इनको जानते हैं इमेज के थ्रू तो आपको पता लग जाएगा, अदरवाइज अगर नहीं पता तो इनका नाम है दीपा मलिक। क्या नाम है इनका, सॉरी एक सेकेंड, इनका नाम है दीपा मलिक और यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा इनको बेसिकली, अगर इनके बारे में थोड़ा सा मैं आप बताऊं, ये पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट है, ठीक है, पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट है और इनको एम्बेसडर बनाया गया है निश्चय मित्रा का, ओके। और मैंने बता ही दिया ऑलरेडी ये निश्चय मित्रा जो है ये किसके रिगार्डिंग है, दिस इज एन इनिशिएटिव अंडर प्रधानमंत्री फॉर टीबी मुक्त भारत अभियान, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि इस बार हमारे इंडिया में रिपब्लिक डे के ऊपर, रिपब्लिक डे 2023 पे हमारी कंट्री में किस कंट्री के प्रेसिडेंट बकायदा इनवाइट किए गए हैं एज अ चीफ गेस्ट, ठीक है। फिर से बता देता हूँ कि इस बार जो 20 मतलब हमारा जो रिपब्लिक डे होने वाला है 26 जनवरी को, किस कंट्री के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया गया है एज अ चीफ गेस्ट, तो इसका जो आंसर है दैट इज इजिप्ट। क्या आंसर है, इजिप्ट, ओके। अब जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं इंडिया के, ठीक है, उन्होंने ये अनाउंसमेंट करी है कि इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, जिनका नाम है अब्दुल फतेह अल सिसी, ये चीफ गेस्ट रहेंगे रिपब्लिक डे 2023 पे जो 26 जनवरी, यू ऑल पीपल नो, ठीक है, तो इनको फॉर्मली इनवाइट किया गया है इजिप्टियन प्रेसिडेंट को, क्लियर। तो एक चीज़ और बता दूँ कि अगर हम बात करें हमारे जो एक क्वेश्चन का आंसर आप दोगे कि हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है इंडिया के उनका क्या नाम है, ठीक है। चलिए अगर कोई समझदार लोग होंगे समझ गए होंगे, बाकी वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन कैसी है, प्लीज़ मेक श्योर आप सपोर्ट सिर्फ इन द फॉर्म ऑफ लाइक एंड कमेंट, अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करके बताएं हमें, बाकी यू ऑल नो कि हमारी तरफ से पूरी फुल चीज़ें जो स्टार्ट हो गई हैं, रेस्ट डिपेंड्स ऑन यू। सिलेक्शन इज नॉट अ बिग गेम एक्चुअली, बट कंसिस्टेंसी इज द मेन की, तो अगर आप कंसिस्टेंट हैं बाकी गारंटी हम देते हैं, हम जैसा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे पूरे यूट्यूब पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो बाकी ऑल द बेस्ट, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।